हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये सॉक्स बनाना बताऊंगी स्टार्टिंग से कि ये सॉक्स मैंने कैसे बनाया है, कितने फंदे लिए हैं और इसकी लेंथ कितनी रखनी है, सबका मेजरमेंट मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 45 फंदे लिए हुए हैं। उसके बाद मैंने ये 8 सिलाइयों का यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। दोनों साइड से मैंने यहाँ पे सीधे सीधे नीटिंग की है। आप चाहें तो कोई सा भी यहाँ पे बॉर्डर बना सकते हैं, जो एक उल्टे सीधे की होती है वो बॉर्डर, कोई सा भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने गार्टर स्टिच नीटिंग किया है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, मैंने ये ग्रीन पैरट ग्रीन कलर लिया है और येलो, तो पैरट ग्रीन से हमारी ये डिजाइन बनेगी। तो ये डिजाइन देखिए, हमने ये पहले हमने ये देखिए हमने ये 3 फंदे निट कर लिए हैं पैरट ग्रीन कलर से, यानी ग्रीन कलर से। उसके बाद हमने ये येलो से एक उतार लेना है और 3 फंदे को हमने बुन लेना है, फिर एक उतार लेना है। ये देखिए, फिर हम एक येलो उतारेंगे और 3 ये निट करेंगे। अब हमने बराबर ये काउंट कर लेना है दोनों साइड के हमारे फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये हाफ हाफ इस पे करके और एक एक्स्ट्रा फंदे पे हमने ये एक फंदे का देखिए हमने 7 फंदा बनाना है। 1 उनको आगे करके 2, पीछे किया 3, फिर आगे किया 4, पीछे 5 6, एंड लास्ट 7। फिर हमने येलो एक यहाँ पे स्लिप कर लेना है, फिर ग्रीन वाले से हमने 3 नीट करना है, 1 स्लिप करना है। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो 2 हमने ग्रीन का कर लिया। अब बैक साइड देखिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स। बैक साइड हमने ऊन को पीछे की साइड ले जाके ग्रीन वाले को हमने सीधा बुनना है, ये देखिए। फिर ऊन को आगे लाएं और पीला वाला हमने उतारना है। ग्रीन वाले को हमने, जो हमने आगे की साइड बुना है उसको बुनना है, जो उतारा है स्लिप किया है उसको स्लिप करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे 7 फंदे हैं इनको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। देखिए, फिर उनको आगे किया, येलो वाले को उतार लिया, फिर ये 3 फंदे को हमने बुन लेना है।
लास्ट में देखिए हमारे ये तीन फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं। फ्रंट साइड हमने देखिए अब हमने सारे फंदे, हमारे यहाँ पे येलो कलर बेस कलर है तो हमने सारे फंदे को येलो कलर से बुनना है। सीधा सीधा हमने सभी फंदे को येलो कलर से बुन लेना है। देखिए यहाँ पे हमने कोई डिजाइन नहीं बनानी है। अब दो सिलाई हम सिंपल ही ऐसे ही बुनेंगे। देखिए ये सात फंदे जो हमारे ग्रीन के हैं इनको भी हम ऐसे ही बुन लेते हैं। ऐसे हम पूरी रो बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से भी हम सारे फंदे को सारे फंदे को सीधा सीधा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे दो सिलाई हमने एक दोनों साइड से हमने ये सीधा सीधा निट किया है। देखिए यहाँ पे हमारी ये एक डिज़ाइन पड़ गई। फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है, आप लोग को मैं एक बार इसका मेजर बताऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये 6 to 7 नंबर के लिए बनाया, 5 नंबर को भी इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये फ्लावर मैंने बनाए हैं, यानी 6 पे मैंने ये हमारे फंदे बढ़ते रहते हैं। और डिज़ाइन मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ये डिज़ाइन मैंने आप लोग को दो बार बताया है। ऐसे ही आपने ये करके 6 बार हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 डिज़ाइन बनकर। उसके बाद दो सिलाइयों की हमने ग्रीन बनानी है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, आपका जो भी कलर हो दो कलर, उसके बाद हमने ये आपको बताया ही है 20-20 सिलाइयों का ये हमारा दोनों पार्ट। मतलब उस जब ये डिज़ाइन बनने के बाद 4 सिलाई या 2 सिलाई आपने ग्रीन कर लेनी तो हाफ फंदे इस पर कर लेना। टोटल 46 फंदे होंगे तो उसको हाफ हाफ कर लेना। जितने भी फंदे हो आपके, ज़रूरी नहीं 46 ही हो, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 50-50 भी हो सकते हैं, जैसे फंदा हमारा बढ़ेगा। तो आपने हाफ हाफ इस पर करके फ्रेंड्स, और हाफ इस पर फिर 20-20 सिलाइयों की ये देखिए नीटिंग मैंने की है। और दोनों साइड से हमने सीधी सीधी नीटिंग की है। उसके बाद यहाँ से 10 फंदे हमने क्लोज किए, 10 फंदे इधर, और उसके बाद स्टिचिंग कर दी है। तो वो मैंने आप लोग को बताया ही है। एक बार मैं और आपको ये डिज़ाइन बता देती हूँ। देखिए पहले हमने ये तीन फंदे ग्रीन से बुनना है, एक स्लिप करना है। फिर बार बार हमने यही रिपीट करना है फ्रेंड्स। तीन फंदे हमारे ग्रीन एंड 1 स्लिप, देन 3 नीट एंड 1 स्लिप। देखिए अब यहाँ पे भी एक स्लिप हो जाएगा और बीच में हमारी देखिए डिजाइन आ गया है। तो एक फंदे का हमारा 7 फंदा हुआ था फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पे देखिए 3-3 फंदे एक साइड होंगे और बीच के ये देखिए हमारे एक फंदे पे ये हमारा देखिए 7 फंदा बनेगा। 1 2 3 ये देखिए, फिर हमारे 1 2 3 एक हमने ऐसे स्लिप करना है। ये देखिए हमारा बीच का फंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने 7 फंदा बनाया, 1 उनको आगे किया, 2 3 4 5 6 लास्ट 7। देखिए यहाँ पे हमारे एक फंदे के 7 फंदे हो गए, इसको स्लिप करना है। फिर हमने यहाँ पे 3 फंदे निट कर लेना है, 1 स्लिप 3 नीट
वन स्लिप। देखिए फिर एक उतार लेना है, तीन बुन लेना है हमने, एक उतार लेना है, फिर हमने यहाँ पे तीन नीट कर लेना है, एक उतार लिया, फिर हमने एक यहाँ पे उतार लिया। बैक साइड से हमने वही प्रोसेस करना है बार बार, जो हम फंदे बुने रहेंगे फ्रेंड्स उसको बुनना है। ये देखिए हमने इसको स्लिप कर लिया और ग्रीन वाले को हमने ये तीन फंदे नीट कर लेना है। अब देखिए जो हमारे सात फंदे हुए हैं उनको भी हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे दो डिज़ाइन बन चुके हैं, पांच डिज़ाइन हमने और बनानी है। हमारे यहाँ पे टोटल सेवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है, तो दो हमारे बन चुके हैं, चार डिज़ाइन और बनानी है। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया ही है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें फ्रेंड्स। और बहुत ईजी है, आप यहाँ पर मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन और येलो कलर यूज़ किया है, आप दो कलर या मतलब छः कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।